सदा दिन एक से किसी के न गुजरत इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते एक ऐसा नाम नहीं जाता किसी का जिन लोगों ने किया था लाखों का देना देना वही लोग एक जैसा भक्त किसी का नहीं गया करते थे न्याय जो जज बनकर करते थे न्याय जो जज बनकर वही कटघरे में खड़े देखे करते थे इलाज जो डॉक्टर बनकर वही हॉस्पिटल में आज संसार घाट पर पहरा देने के लिए पहुंच गई है। देखिए समय ने कहां से कहां पहुंचा दिया। इधर हरिश्चंद्र शमशान घाट पर पहरा दे रहे हैं। अब आ जाइए इधर देखते हैं तारा के जीवन में क्या हुआ। वो ब्राह्मण कहने लगा है तारा ओए कहां है तुम्हारा लड़का। पूजा का समय हो गया तुम्हारे बच्चे का भी कोई पता ही नहीं है। तो तारा ने रोहितास को बुलाया लाला हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं, परतंत्र हैं। दूसरे के सहारे पर रहने वाला आदमी किसी को सहारा नहीं दे पाता। दूसरे के सहारे पर जीने वाला प्राणी कभी सुख नहीं पाता। ब्राह्मण नाराज हो रहे हैं तुम्हें काम करो बगीचा में चले जाओ पूजा के लिए फूल ले आओ। तो देखिए आज रोहितास फूल लेने के लिए बगीचा में चल देता है और इधर विश्वामित्र ने विचार किया चलो रोहितास हमने कसम खाई है जब तक हम तुम्हें धर्म से टिका नहीं देंगे पानी नहीं पिएंगे। चला रोहितास मात की बात उसी डाली से बैठ गए we
यदुराज जिस समय बाग में पहुंच जाता है और विश्वामित्र सर्प बन करके उसी डाली से बैठ गए, और जब डाली से बैठ गए रोहितास फूल लेने को गया है, लेकिन बाहर ब्राह्मण ब्राह्मण विश्वामित्र ने अपनी करनी में कोई कसूरी नहीं छोड़ी। वह ऐसा ने सर्प बन के उंगली में डस लिया, रोहितास पछाड़ खा के गिर गया है। विश्वामित्र भागे और विश्वामित्र ने आवाज लगा दी है, किसी का बड़ा सुंदर लड़का है जो फूल लेने को बगीचा में जाया करता है, आज उस बच्चे को किसी सर्प ने डस लिया है। जिस किसी का हो अपने बच्चे को जाकर के बाग से उठा लाया,